देखिए तूफान की आशंका हो रही थी कि बारिश वगैरह आएगी, तो फिर मैंने सबके बैठ के देखे, चादरें कपड़े सब धो दिए। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि तूफान उठा है बांग्लादेश से और उन्होंने उनका नाम निकाला है, उसका पेपर जो है ऐसा लगता है किसी अंग्रेज का नाम है या किसका नाम है भाई। असली स्वाद वही जान पाएंगे जो खुद बनाएंगे, नहीं तो जो बाजार में मिलता है वही खाते रह जाएंगे। चुकी है दोपहर और सब काम काफी आज किया, कपड़े वपड़े भी धोने थे, दादी सा का काम घर का भी था, तो मैंने सारा काम करने के बाद दाल सुबह भिगो दी थी। ये देखिए उड़द की दाल है, तो मैंने भिगो के रख दी थी हल्के से घुनघुने पानी में, तो अब ये भीग गई, तो अब मैं इसको पीस रही हूँ। तो अर्जुन ने बोला आप क्या कर रहे हो सब काम करने के, तो मैंने कहा कि दाल भिगोई थी, थोड़े दही बड़े बनाऊंगी क्योंकि गर्मी का मौसम में दही बड़े बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे रायता वगैरह बना लेते हैं। हल्का सा इसमें पानी डाल दूंगी, बिल्कुल कम, बहुत ज़्यादा पानी के साथ नहीं पीसे हैं, और थोड़ा पानी डालना पड़ता है क्योंकि उड़द की दाल चिकनी होती है, फिर वो जब पीसने के पास गाढ़ी हो जाएगी बहुत, तो आसानी से पीसती नहीं है, मिक्सर पे भी जोर आता है, तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लूँगी मैं, और फिर इसके बनाऊंगी मैं दही बड़े। बना के रख देंगे बड़े सूखे ही डब्बे में भर के, और फिर जब हमको ज़रूरत होगी तब उसको भिगो लेंगे, हल्के गर्म पानी में ढक के रख दो और फिर निचोड़ के, और दही में तो दही तो रोज़ वैसे ही फ्रेश जमाते हैं, चटनी में बना के ही रखती हूँ बॉटल में फ्रिज में, तो बस डाल के दही बड़े खाते हो, जैसे कभी रायता खा लिया कभी दही बड़े, दादी सबको भी पसंद है बच्चों को भी, तो उस हिसाब से बड़े बना दूंगी। तो चलिए अब इसको पीस देती हूँ। यदि इसकी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप देखनी तो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, और कई बार वैसे भी मैं बना चुकी हूँ, मेरे ब्लॉग में भी दिखा चुकी हूँ, सील सातम के होते हैं, और भी कई दिन जैसे बनाती हूँ तो कई बार दिखाती ही रहती हूँ, तो आप कभी भी देख सकते हैं ब्लॉग में, तो क्या आप रेसिपी के मेरे उस पर जाके क्लिक करके और आप पूरी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा दही बड़े कैसे बनाने और बिल्कुल सॉफ्ट कैसे बनते हैं। तो आप लोग भी गर्मियों में बना के रख लें डब्बे में, गीला नहीं करें उसको, मतलब भिगोना नहीं है, सूखे ही बड़े कटोरदान में भर के डब्बे में भर के फ्रिज में रख दें, जब भी आपको खाने हो उसको भिगोइए, हल्के गुनगुने पानी में ढक के रख दीजिए, थोड़े सॉफ्ट होने पे निचोड़ के आप दही में डाल के आराम से खा सकते हैं, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद थोड़े से कड़े हो जाते हैं लेकिन खराब नहीं होते सप्ताह भर भी, तो जरूर उसको फ्रिज में रखें फिर भिगो के खाएं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। चटनी को भी बना के रख सकते हैं, चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप इमली की चटनी बना सकते हैं, सौंठ डाल के बनाते हैं कई लोग, खजूर डालते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो, प्लेन इमली की चटनी भी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगती है, तो वो भी बना के आप फ्रिज में पका के रखेंगे तो महीने भर भी खराब नहीं होगी, तो और भी किसी चीज में, टिकिया में, चाट में, किसी में भी डाल सकते हैं, गर्मियों का सीजन है, छुट्टियां हैं तो बच्चे घर बैठे कुछ भी जिद करते कि ये फरमाइश करते हैं कि ये खाना है, वो फटाक से चटनी निकाल ली और आप खा सकते हैं। तो चलिए दाल को पीस लेते हैं। तो यहाँ पे बन रहा है चंदनी की सब्जी जो कि बहुत ही अच्छी लगती है गर्मियों में, ये देखिए, और हरी सब्जी साथ में खाने में होनी चाहिए, दादी सबको भी बहुत पसंद है ये सब्जी, तो कम मिर्ची वाली मैंने चंदनी की सब्जी बना दी है। अब सब्जी बन जाने के बाद एक ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है मैंने आलू की, और साथ में अब मैं बना के रख दूंगी बड़े, पहले ये सब्जी बन जाए, क्योंकि चंदलिया बीच में मैं साफ़ करने लगी थी, सब्जी वाला आया तब मैंने चंदलिया लिया तो साफ़ नहीं किया था, बीच में मैं कपड़े धोने और कुछ करने लगे, तो फिर मैंने अब चंदलिया साफ़ करके बनाए, बाकी सब काम हो चुका है, अब बनाने हैं दही बड़े के बड़े। तो यहाँ पर देखिए हमारी दाल पिस गई उड़द की, और अब इसका नंबर है, इसको भगोने में डाल के फेंटूंगी, थोड़ा हाथ से थोड़ा फेंटने से फ्लफी है, लेकिन बड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं, तो फेंट के और फिर इसके बड़े बनाएंगे। तो देखिए तूफान की आशंका हो रही थी कि बारिश वगैरह आएगी, तो फिर मैंने सबके बैठ के देखे, चादरें कपड़े सब धो दिए, वैसे तो रोज़ के रोज़ धुलते हैं कपड़े लेकिन सारे धो दिए, मैंने दो तीन दिन अगर बारिश रही या कुछ रहा, बादल थोड़े बन रहे हैं, तो मैंने सारा देखे चौक भरे, सारे तार भर दिए, इतने सारे भर के कपड़े धो दिए, पीछे भी चादरें हैं और सब है। तो दाल को मिक्सी से निकालने के बाद फेंट लिया, देखिए इस तरह से फूली फूली हो जानी चाहिए, एकदम हल्की हो जाती है, एयर हो जाती है इसके अंदर, तो बड़े हमारे बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो देखिए ये फिट गई हमारी दाल, और यदि किसी को जल्दी हो और
फेंटने का ज़्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा इसको फेंट के इतना सा इसके अंदर थोड़ा सा हाफ टी स्पून डाल दें बेकिंग पाउडर, और थोड़ा सा नमक मैंने भी डाल दिया है, और वैसे तो मैंने इसको फेंट लिया है। यदि किसी को जल्दी हो तो इतना सा बेकिंग पाउडर डाल के भी आप इसको बना सकते हैं। बेकिंग पाउडर डाल के थोड़ा सा फेंट लें, फिर इसके बड़े बना लें। चम्मच को मैंने पानी में रख दिया था, इससे चिपकती नहीं है दाल। जैसे अपन ने एक बार डाल दिया, फिर वापस से पानी से ऐसे हल्का सा निताल लें, पानी इसमें नहीं रहना चाहिए। और फिर से ये थोड़ी थोड़ी दाल लेते हुए इस तरह से चम्मच में हम दाल लेते जाएंगे, और थोड़े थोड़े बड़े हम इसमें डालते जाएंगे। तो एक बार तेल गर्म होने के बाद मैंने थोड़ा सा उसको धीमा कर दिया है मीडियम पे। फिर जैसे तेल हमारा जैसे ठंडा हो गया, वापस से उसको थोड़ा तेज कर लें फिर मीडियम पे, क्योंकि एकदम जैसे हम तेज में डालेंगे तो हमारे बड़े एकदम से जल जाते हैं तेल में डालते। तो इस तरह से हम उसको टेम्परेचर को बिल्कुल करते रहेंगे। जैसे कि हम डालते हैं इसमें तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो एक बार ये डल जाएगा फिर वापस से थोड़ा तेज कर लें। एक बार नीचे से सिक जाए, और जैसे ये अभी ऊपर से थोड़े कच्चे हैं तो इसके ऊपर हम गरम ऑयल डाल देंगे ताकि चिपकेंगे नहीं जब हम इनको उल्टेंगे, तो थोड़े से सिक जाएंगे ये गरम तेल से। ये देखिए इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, अब इनको हम पलटेंगे क्योंकि एक साइड से ये थोड़े सिक गए हैं। ये देखिए आप इस तरह से पलट लेंगे। जैसे बहुत तेज जैसे धुआं उठने लगे, तेल गरम लग रहा है आपको, तो वापस से मैंने मीडियम कर दिया, और थोड़ा जैसे ठंडा होगा वापस से थोड़ी आंच को तेज। इसी तरह से हम कोई चीज़ जैसे सेकते हैं तलते हैं तो ये आंच को कम ज़्यादा करके उसके टेम्परेचर को बराबर करके और फ्राई कर लें। तो बस देखिए अब सीखने ही वाले हैं, इनको निकाल लूँगी फिर मैं दूसरी बार डाल दूँगी। तो यहाँ पे हमारे दही बड़े के बड़े तैयार हो गए, बस अब इसको दही में डाल के चटनी डाल के और खाने का मज़ा लीजिए। तो नेक्स्ट डे और दादी से नाश्ता कर रहे हैं आलू के पराठे का। आलू का पराठा सॉफ्ट हो गया तो आराम से खा लेते हैं, तो उनके लिए बनाया। पहले इनको स्नान वगैरह करा के देखिए आप एकदम फ्रेश है, बिठा दिया मैंने, उसके बाद इनके लिए पराठा बनाया। अभी तूफान की आशंका बताई थी लेकिन धूप आ रही है, हो सकता है शाम तक तेज हवाएं चल के बारिश हो। कल भी थोड़े से बादल आए थे और फटाफट से मैंने कपड़े धो के सुखा दिए, सुबह थोड़ी धूप आई थी तो शाम को थोड़े बादल और चार छह छींटे आए, फिर तो कोई भी तूफान नहीं आया। शायद हो सकता है कि 16-17 तारीख भूले तो आए। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि तूफान उठा है बांग्लादेश से, और उन्होंने उनका नाम निकाला है उसका विपर जो है, ऐसा लगता है किसी अंग्रेज का नाम है या किसका नाम है भाई। जैसे कि कोई तूफान आता है तो सुनामी, और आजकल तो अलग अलग नाम रखते हैं, तो उसी तरह से ये नाम रखा गया है। और भाई मैं तो चाहती हूँ जहाँ कहीं भी इसका असर हो तबाही ना आए। हमारे राजस्थान में भी कई जगहों पर बोला है, गुजरात में तो है ही, तो जहाँ पे भी वो अंधड़ आए वो आए, घर बच्चे मकान दुकान जिसका भी है उसको नुकसान ना पहुँचे, और आराम से हमारा ये तूफान निकल के चला जाए और सभी अपने आराम से घरों में। और जहाँ पे चेतावनी आ रही है, रेड अलर्ट जारी हो रहे हैं, ऑरेंज अलर्ट जारी हो रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें, घरों से बाहर नहीं निकले, तो सभी अपने अपने घरों में सेफ रहें, यही कामना करती हूँ। तो यहाँ पे बन रही है हमारी ग्रेवी, और ग्रेवी में दही डाल दिया मसाला भूंज के, अदरक लहसुन की पेस्ट और प्याज कद्दूकस और सब मसाले मिला के। तो आप सोच रहे हैं किस चीज़ की ग्रेवी है, तो भैया दही डाला है, हमारे राजस्थानी ट्रेडिशनल सब्जी गट्टे की सब्जी की ग्रेवी है। तो चलिए अब ये उबले हुए गट्टे हैं बॉयल किए हुए इसमें डाल देते हैं। रोजमर्रा के जीवन में तले हुए गट्टे और हैवी से ये गट्टे की सब्जी बहुत अच्छी हेल्दी भी है, बॉयल किए हुए गट्टे होते हैं और थोड़ा गाढ़ापन भी आ जाता है इससे ग्रेवी में, और बहुत टेस्टी लगते हैं। रोज यदि आपको सब्जी बनानी है घर के लिए तो आप ये उबले हुए गट्टे की सब्जी बनाइए, बेस्ट रहती है। और हमारे घर में एक हरी सब्जी के साथ एक ट्रेडिशनल सब्जी तो बनती ही है, कढ़ी है, गट्टे है, पापड़ है, बढ़िया है, और साथ में बनी है भिंडी। तो इसके पापा ने जो भिंडी खा भी ली है, तो साथ में और भी बेसन की मिर्ची और लौंजी और ये छोटे मोटे ऐसी चीज़ें भी मैं बना के रखती हूँ। तो थोड़े से गट्टे इसकी ग्रेवी के अंदर करके फिर मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और ये देखिए बहुत अच्छी टेस्टी लगती है सब्जी। और इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप लोग देख के बना सकते हैं। तो खाली समय में टीवी देखते समय या कुछ भी कर रहे हैं, चाय पी रहे, तो मैं लहसुन छील के रखती हूँ, तो ये देखिए पेस्ट बना के रख देती हूँ। बाजार से भी लाने की जरूरत नहीं, बाजार का पेस्ट हमेशा मैं बताती हूँ कि विनेगर वगैरह डाला होता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं घर पे ही बना के रख देती हूँ। सबसे ऊपर चल जाता है फटाफट से, सब्जियों में बनाना है टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, और हमारी पेस्ट तैयार हो जाता है। की भी होती है तो फटाफट से सब्जियों में डाल देते हैं। दादी सा का सब काम निपटाने के बाद अब मैंने बना लिए गट्टे की सब्जी, भिंडी की सब्जी, नाश्ता पहले ही हो गया था, और अब मैं करूँगी और भी दूसरे काम, फ्रूट वगैरह काट के रख दूँगी।
वो सारे काम हो चुके हैं और अब काट बारी आती है तरबूज और खरबूजा मैंने काट दिया है। अब थोड़ा सा कड़क हुआ है ये, बीच में गर्मी में बहुत अच्छा आ रहा था लेकिन ये क्रिस्पी है, मुझे तो पसंद है ये। मैं पहले ही खाती थी लेकिन अब ये जो क्रिस्पी होता है ना मैं खाती हूँ। और तरबूज का भी क्या सीन है कि मना कर रहे हैं सब कि नहीं नहीं तरबूज मत लेना, अभी देखिए ये भी थोड़ा सा कच्चा सा निकला है, लेकिन ठीक है अभी वो जो गीला गीला होता है उससे तो थोड़ा बेटर ही है। शाम हो चुकी है और शाम होती है तो बनता है डिनर। तो डिनर तो वैसे बनने वाला है पर डिनर में क्या खाएंगे क्योंकि हो चुकी है बारिश। जैसे दोपहर को दिखाया था आपको मैंने, 2-2.5 बजे के बाद बारिश हुई, फिर थोड़ी सी धूप भी निकली हल्की सी, वापस से बारिश हुई, विपरजॉय का प्रभाव पूरी तरह से जोधपुर पे पड़ गया है। तो फिर अब फिर बाद में आपको बाद के सीन भी दिखाए थे कि जैसे जैसे बारिश तेज हो रही है कभी धीरे, और शाम के समय भी थोड़ी सी, जब शाम हुई तब भी थोड़े से बादल और अंधेरा सा ऐसा था और बादल, और अभी भी अब थोड़ी सी बारिश रुकी, काफी देर तक धीरे कम ज्यादा होती होती बारिश आ रही थी और थोड़ी देर रुक जाती है फिर आ जाती है। तो प्रभाव हो चुका है, घर से बाहर ना निकलने की जो चेतावनी थी वो सही थी कि ऐसे मौसम में भाई बाहर नहीं निकलना चाहिए। और जैसे कि हमने ट्रेवल कर रहे हैं तो ट्रेवल भी नहीं करना है, या फिर किसी के घर दूर दराज जा रहे हैं हम, वो भी आज के लिए कैंसिल कर दें इस तरह से और अपने घरों में रहें। जैसा कि फ्रेंड्स पहले क्या होता था, मौसम की जो भविष्यवाणी होती थी ना मौसम विभाग, हमेशा गलत हो जाती थी। भाई आज तो अंधड़ आएगा, आज तो बारिश होगी, कुछ नहीं होता था, सब कहते अरे कुछ हुआ ही नहीं, क्या हुआ, आज तो कुछ नहीं आया। लेकिन आजकल जो सटीक होती है ना भविष्यवाणी, बिल्कुल सटीक होती है। आप बोलेंगे कि शाम को आएगी बारिश, तेज हवाएं चलेगी, तूफान आएगा, बिल्कुल सटीक होती है भाई। आजकल के भविष्यवाणी जो करते हैं ना मौसम विभाग, बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत जानकारी लेके और जांच परख के करते हैं और बहुत सटीक निकलती है। तो उनके अनुसार ही ये सब कार्यकलाप है, लोग अपने कार्य पे भी ध्यान देते हैं, जो चेतावनी दी गई है उसके अनुसार कार्य करते, तो बहुत अच्छी बात है। और अब चलिए, जैसा कि मैंने बताया था बीच में आपको बारिश के भी सीन दिखाए, अब जब बारिश होती है तो क्या होता है, तो बारिश होती है तो फिर ये होता है। तो अब देखिए हमारे घर में तो बारिश बनते होते ही सबको लगता है पकोड़े खाए जाएं, तो सब बहुत शौकीन है कि खाना नहीं आज तो पकोड़े ही खाएंगे। तो ये सब तैयारी कर दी है, यहाँ पे मैंने पकोड़े की, यहाँ पे मैंने ब्रेड काट दी, प्याज है, आलू, दादी से के बॉयल आलू के बना देती हूँ, सॉफ्ट बनते हैं। आप लोग भी घर में बड़े बूढ़े हो तो जैसे बॉयल आलू उबाल के रखते हैं उसका छिलका उतारें और उसके पतले पतले से गोल गोल स्लाइस निकालें और उसको डिप करके बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे पकोड़े बनेंगे और फूले फूले अच्छे लगेंगे, आप लोग भी खाएंगे तो अच्छे लगेंगे। और मिर्ची के ब्रेड के सब तरह के बना दूंगी और साथ में दादी सा के लिए अमृत भी रेडी कर दिया है मैंने, उनको अमृत बहुत पसंद है, इसके पापा वगैरह तो सब आइसक्रीम खा लेते हैं, आइसक्रीम भी बना के रखती हूँ, लेकिन दादी सा को अमृत बहुत अच्छा लगता है तो उनके लिए शाम को मैं ज़रूर बनाती हूँ। और साथ ही साथ एक और चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ, ये है मावे की कचौरी। तो मावे की कचौरी आप सोचेंगे कि भाई मैंने बनाई है, नहीं मैंने नहीं बनाई, मैं बनाती हूँ, बहुत बार बनाती हूँ, लेकिन ये जो मावे की कचौरी है ना ये है बाजार से मंगाई, दुकान का नाम मैं नहीं लूंगी किसी का, लेकिन जो अर्जुन ने बोला था कि मम्मी है ना, मैंने बोला उसको कि मावे की कचौरी बनाती हूँ, उसने बोला नहीं नहीं इतनी गर्मी है कहाँ मावे की कचौरी में, तो फिर बाद में मैं तो अपने काम में लगी और उसने ऑर्डर कर दिया और दुकान से मंगा दी, हमारे यहाँ बहुत सी है फेमस दुकान है वहां से मंगा ली उसने। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो कचौरी है ना ये बहुत हार्ड है,
अभी तो फिर भी थोड़ी रस में मैंने इसमें रस डाल दिए थे तो थोड़ी हो गई। बहुत ज्यादा ये जो ऊपर का है ना इसका, ये बहुत ज्यादा हार्ड है। हम लोग तो, मैं जो बनाती हूँ मोइंड आती हूँ तो वो ऐसे टूट जाता है, इसको दादी सा और ये खा ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे पड़ी है रस में डुबाई, मैं कहा थोड़ी तो सॉफ्ट होगी ये, देखिए बहुत ज्यादा कड़क है। और ये तो थोड़ी रस में डूबने के कारण आपको लग रहा है कि सॉफ्ट हो गई, हल्की सी, लेकिन बहुत कड़क थी। और अंदर का जो उसका मसाला, यानी कि जो उसके अंदर भरते हैं हम, वो भी जो मावा स्टफिंग है उसकी, वो भी इतनी टेस्टी नहीं थी जितनी पहले होती थी। और मैं घर पे बनाती हूँ उसमें काजू बादाम सब पीस के भी डालती हूँ, पिस्ता वगैरह, और स्टफिंग के अंदर मावा, और बहुत अच्छी टेस्टी बनती है इलायची। और आप वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे उपलब्ध है। तो मोइन थोड़ा सा अच्छा, हालांकि उसको तलने में थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। अब दुकान वाले तो अपने धंधे के, अपने बिजनेस के हिसाब से बनाते हैं, तो वो शेप क्या होता है कि देखिए आप मोइन कम डालते हैं तो शेप बरकरार रहता है, टूटता नहीं है ये, और शेप इसका अच्छा बना रहता है। लेकिन जब मोइन वाली बनती है ना, उसका स्वाद और अंदर का जो उस पर स्टफिंग पे ध्यान देंगे ना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चाशनी में भी मैं केसर इलायची डालती हूँ तो बहुत अच्छी लगती है। तो यही मैं बता रही थी कि हाँ नहीं आती है उनको, वो तो खाते ही है बाजार की, लेकिन हम लोग बनाने वाले हैं इसलिए मैंने आपको बताया। असली स्वाद वही जान पाएंगे जो खुद बनाएंगे, नहीं तो जो बाजार में मिलता है वही खाते रह जाएंगे। ये फार्मूला सिर्फ मावे की कचौरी नहीं, सभी चीजों पर फिट बैठता है। मिर्ची बड़ा है, चाहे कचौरी है, चाहे आजकल क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि पहले बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती थी मिर्ची बड़े या प्याज की कचौरी, मतलब धीरे धीरे उसके मतलब स्वाद में भी फर्क आता जा रहा है। मन ही नहीं होता है कि बाजार से कोई नमकीन खाए। मैं मेरा नहीं कह रही हूँ स्पेशली, क्योंकि घर वाले सब कहते हैं अपने घर पे बना लो, जिनको नहीं आता है बनाना उन लोगों के लिए भी था पहले, फटाक से बाजार से लाते थे, अरे बारिश आ गई मिर्ची बड़े मंगा लो, ये मंगा लो। लेकिन आजकल मन ही नहीं होता स्पेशली, मैं तो बिल्कुल मना ही कर देती हूँ बच्चों को कि मैं कोई भी बाजार की चीज, क्योंकि सारी चीजें घर पे ही बनती है। आप लोग खुद ट्राई कीजिए, मेरा ही चैनल नहीं है स्पेशली, और बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं लोग, वो आप सीखिए बनाइए। जब खुद बना के खाएंगे ना तब आपको स्वाद का पता चलेगा कि किस तरह के स्वाद को हम मिस कर रहे थे। हम जो बाजार से मंगाते हैं उसकी क्वालिटी, उस साफ सफाई, किसी भी चीज पे ध्यान नहीं होता है। हम अपने घर पे अपनी साफ सफाई से, अपने स्वाद के अनुसार कितना मसाला डालना है सब तरह से बनाते हैं, तो हमको स्वाद भी आएगा। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, कभी कभी बनाइए, रोज नहीं। तो जब भी आप बनाए पकोड़े का घोल, तो मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, और चाहे तो गरम मसाला भी थोड़ा डाल सकते हैं, और लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, साथ ही साथ थोड़ी सी हींग भी डाली है मैंने। और यदि किसी को ज़्यादा ऐसे फ्लफी बनाना है तो थोड़ा सा चुटकी भर बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, नहीं तो इसको फेंट दें। थोड़ी सी देर इसको घोल के रख दिया मैंने, अब इसको फेंट लिया है। और घोल जो होता है ना बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पकौड़े बहुत अच्छे नहीं बनते। ये देखिए इतना, ये इस तरह से घोल होना चाहिए पतला, इससे ये फ्लफी बनेंगे हमारे जो पकोड़े होते हैं ना, गाढ़े घोल के अच्छे नहीं बनते। तो गाढ़े घोल के जो होते हैं ना, तो दादी से बोलते हैं कि डूचो आवे, मतलब कि वो गले में अटकते हैं, इसलिए फ्लफी बनाने के लिए घोल को हमेशा सही बनाएं। सकते हैं कि ये देखिए उबले हुए आलू का है, कितना फ्लफी बना है एकदम से, बहुत सॉफ्ट कोफ्ते की तरह। और यहाँ पे मैंने लिया है चाट मसाला, तो हल्का सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं आप लोग इसके ऊपर, और भी ज्यादा चटपटा बनाना, प्लेन भी खा सकते हैं सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ। और हल्का सा चाट मसाला डाल देते हैं इसके ऊपर,
फिलहाल के लिए मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, दादी सा के लिए बना दिए मैंने। दादी सा को पहले जिमाऊंगी, उनको दवाई वगैरह देनी है, और भी कोई काम होते हैं छोटे मोटे वो करने के बाद फिर से हमारे बनाऊंगी मैं, और फिर हम लोग भी खा लेंगे गर्मा गर्म पकौड़े। आप लोग भी खाइए बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े, और मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खमा गणी।